आपको सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता, बड़ी सीख मिलती है। थैंक और यू सर, अभी थैंक राज यू। सर की स्टोरी सुनने को मिला, बड़ी प्रेरणा मिली सर, बड़ा अच्छा लगा। और सबसे पहले ईश्वर को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, माता पिता के चरणों में नमन करता हूँ। और आज इस पोर्टल पे अगर नेशनल स्तर पे मैं बात कर पा रहा हूँ, तो इसका श्रेय इस पोर्टल के मेरे जनक आदरणीय सर को है। और अगर मुझे अवसर मिला आप लोगों से कुछ अनुभव शेयर करने का, तो उसका श्रेय है हमारे आदरणीय आदर्श गुरु डी के सिंह सर को, जिसकी अंगली पकड़ के मैं सीखता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं सर को नमन और वंदन करता हूँ। तत्पश्चात तो इस पोर्टल पे मेरे जितने गुरु हैं, मैं सबको एक साथ नमन करता हूँ। और मेरे रोल मॉडल आदरणीय राकेश शर्मा सर के चरणों में नमन करता हूँ। और इसके बाद जितने भी साथी जुड़े हैं, सबका एक साथ नमन, स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज साथियों, मैं परिचय मेरा हो चुका है, मेरी स्टोरी भी शेयर है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। फिर भी नाम मनोज सिंह है, जौनपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल शुद्ध किसान परिवार से हूँ। पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो मैंने पीएचडी किया, बड़ी डिग्री होती है हमारे यहाँ की। मकसद था गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना। अपने में कुछ कमी थी जिसकी वजह से वो अधूरा रहा। फिर ये बिजनेस मिला और सीखने के क्रम में मैं लगा हूँ। और अब सीखने में मैं 70% लग गया हूँ। पहले नहीं सीखता था क्योंकि मुझे लगता था कि इसको सीखने की जरूरत नहीं, कर लिया जाता है। और आज उसी सीखने की सीरीज में मुझे दोबारा अवसर मिला है इस पोर्टल पे आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा सर के माध्यम से आपसे कुछ बातचीत करने का, स्पेशली प्रोडक्ट के रूप में। तो साथियों, आज मैं जिस प्रोडक्ट से आपको परिचित करवाऊंगा, जिस प्रोडक्ट का अनुभव आपको शेयर करूंगा, सर है इस प्रोडक्ट का बाथिंग सोप। नहाने के तो साथियों ऐसे बहुत सारे साबुन अपने पास हैं कंपनी में, लेकिन सर जो इसका ये सेंसेशन साबुन है, मैं इसका बड़ा मुरीद। अब वीडियो मेरी प्रॉपर दिख रही है विराज सर? बिल्कुल 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 सर, शानदार सर। ओके, थैंक यू सर। अभी साथियों, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट की एक लंबी सीरीज है अपनी इस कंपनी में, और हम लोग जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है वो इंडियन रेट में क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। और इसके लिए मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आदरणीय पीसी सर को, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हैं जहाँ हर आदमी अपने सपने सजा सकता है, पूरे कर सकता है। मैं सर को नमन करता हूँ। साथियों, ये जो साबुन अपना है सेंसेशन, मैं इसकी स्पेशली आज बात करूंगा, जबकि अपने पास नहाने के लिए जो साबुन की सीरीज है वो एक दर्जन के करीब हो चुकी है। और साथियों, सारे साबुन अपने में अच्छी क्वालिटी रखते हैं, लेकिन स्पेशली इस पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मार्केट में कुछ साबुन जो ग्रेड वन के होते हैं, उनको हम बहुत दिनों से यूज करते चले आए हैं, एक ब्रांड मानते हैं उनको, और उसको यूज करना अपना स्टेटस समझते हैं। और स्टेटस सर साबुन लगाने से अगर कोई बनता, तो आदमी न जाने कौन कौन सा ब्रांड खरीद के अपना स्टेटस मेंटेन कर लेता। साबुन लगाने का मकसद क्या होता है, मैं उस पर बात करूंगा। जबकि जैसे सुबह हम लोग नहा धो करके फ्रेश होके निकलते हैं, पूरे दिन हम अपने काम में लगे रहते हैं, वो काम कोई भी हो, हम धूल से, धूप से या हवाओं से हमेशा सामना करते हैं, जिसमें मनोज बहुत सर, एक बार सर सभी लोगों का एक सवाल आ रहा है, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ाना। ओके सर, थैंक यू। यस जी सर, अब आवाज प्रॉपर जाएगी, थोड़ी सी मोबाइल दूर थी, मैं वीडियो देखने के चक्कर में प्रॉपर दिखे इसलिए, तो अब जाएगी सर आवाज़। हाँ, अब वेलकम सर, सर, बहुत शानदार सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार सर इन कर देना। ओके सर, मैं ओके। साथियों, साबुन जो लगाने का मकसद होता है वो सर ये होता है कि हम दिन भर अपने काम में सुबह नहा धो के फ्रेश होके निकलते हैं, तो धूल से, धूप से, हवा से मेरा सामना होता है। और उसमें सर बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो हमारे शरीर को गंदा करते हैं, जो हमारे शरीर पे ऐसी छाप छोड़ते हैं कि जिसको अगर हम धूल ना दें तो शायद वो हमारे शरीर पे बहुत सारे ऐसे एक्शन करते हैं जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती है। एक ही ये किरण पाल सर, थोड़ा सा आप कुछ शेयर कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सर।
अभी सर साबुन लगाना लोग क्या मकसद बनाते हैं मुझे नहीं पता। ज्यादातर लोग तो इसलिए साबुन के ब्रांडों को यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि साबुन लगा के हम गोरा हो जाएंगे। अच्छा होता क्यों इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो साबुन को उसी तरह से प्रमोट करते हैं कि मेरी मेरे गोरेपन का राज ये साबुन, मेरी खूबसूरती का राज ये साबुन। तो इसको लेकर के अच्छा गोरा होना सबका मकसद होता है। गोरा होके दिखने से लोगों के अपने क्या क्या ख्याल है हम सब जानते हैं और गोरा होने के लिए हम आप उन्हीं के कहने के चक्कर में खूब जम के नहाते हैं साबुन से। लेकिन साथियों जो मेरा मानना है साबुन लगाने से कोई गोरा नहीं होता। हाँ शरीर की मैल साफ होती है और आदमी फ्रेश रहता है। जो तमाम स्किन की प्रॉब्लम आती है उससे वो दूर रहता है। तो आज साथियों मैं बात करूंगा, पिछला सेशन मेरा जो डेमो का था वो एलोवेरा का था। एलोवेरा आपके अंदर जो शरीर में टॉक्सिन जाते हैं भोजन पानी के माध्यम से उससे आपको मुक्त किया। और ये साबुन जो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या धूल धूप के माध्यम से जो टॉक्सिन हमारे आपके शरीर पे आके एकत्रित हो जाते हैं, अगर उसको हम नहा करके धुल करके अगर खत्म नहीं करते तो बीमारियों का कारण बनते हैं, कभी स्किन को लेकर के, कभी और चीज को लेकर के। तो अभी साथियों ये साबुन हम आप लगाते हैं तो कैसे हमको आपको ये फ्रेश करता है उस पर मैं बातचीत करूंगा। साथियों ये जो अपना सेंसेशन साबुन है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये साबुन जैसे हमारा आपका शरीर सुबह जब हम आप नहा धो के निकलते हैं तो एकदम फ्रेश रहता है, तरोताजा। और वो कैसे रहता है मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। ये सर पानी का ग्लास है मेरा, थोड़ा सा मैं इसको और वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा। ये दिख रहा विराज सर पूरा, ये पानी का सर शुद्ध बिल्कुल साफ ग्लास। दिख रहा है। अभी मैं पानी डाल रहा हूँ। ये साथियों अब ये पानी से जो गिलास मैंने भरा है, अभी देखिए ये हमारा सर सुबह हमने नहा धो करके जब अपने दिन की शुरुआत किया तो हमारा शरीर इस तरह से शुद्ध था। और देर शाम तक धूल से, हवा से और तमाम वातावरण में जो इस तरह की डस्ट है, धूल है या उस तरह के उसमें रॉ मटेरियल हैं जो हमारी शरीर पे आके जमते हैं तो शरीर को कैसे गंदा करते हैं, मैं इसको आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए बेटाडीन को लिया हूँ। इसको क्यों लिया जाता बार बार एक बात क्लियर करूंगा, क्योंकि इसमें ऐसे टॉक्सिन हैं जो हवा में, धूल में और पानी में मिलते हैं, जो तमाम तरह के पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड में मिलते हैं, केमिकल्स में मिलते हैं, जिनका ज्यादातर हमारे शरीर पे असर इनके माध्यम से होता है। इसलिए मैं इसको लेता हूँ। और साथियों ये मैं इस बीटाडीन घोल को अगर देखें तो मैं इस पानी में डाल रहा हूँ केवल इसलिए कि सुबह हमारी शरीर जब फ्रेश रहती है तो दिन भर के धूल धूप से तो ये टॉक्सिन आते हो कैसे हमारी आपके शरीर को गंदा करते हैं, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। अभी साथियों ये हमारी शरीर सुबह जो फ्रेश थी वो इस तरह से गंदी। अब ये गंदी शरीर को हम साफ करने के लिए साबुन का उपयोग करते हैं। मार्केट में बहुत सारे साबुन हैं, कोई भी साबुन आप लगाएं। ठीक है सर, थोड़ा सा ना ये खाने के चक्कर में आवाज स्लो जाती है लेकिन मैं अब ट्राई कर रहा हूँ ये स्लो नहीं रहेगी, दिखेगी और तेज बोलूंगा। आइए साथियों ये वीडियो दिखे इसलिए मैंने इस चीज को, अब सर प्रॉपर जाएगी, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा। अभी ये सर हमारा आपका शरीर गंदा हो गया। अभिराज सर अब आवाज क्लियर जा रही है? चलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी शानदार। ये पूरे दिन गंदा हो गया। अब हम सर साबुन लगाएंगे तो क्या वो साबुन इस टॉक्सिन को हमारे शरीर से हटाएगा? बिल्कुल हटाएगा साथियों। अभी मैं मार्केट के कई साबुन यूज किया हूँ जो इस तरह से नहीं साफ करते हैं जिस तरह से ये करता साथियों। अभी सर ये आपका सेंसेशन साबुन मैंने निकाला है ये, और इसमें आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी मान लो सर इस पानी में मैंने डाल दिया यानी आप फ्रेश हैं, ये साबुन से आप नहाना शुरू किए साथियों। अभी ये देखिए साथियों ये जो साबुन मैंने डाला वो आपका सेंसेशन है और मैं थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ कि आप साबुन लगाते हैं तो साबुन आपको नहाना शुरू करता हूँ मैं इस पानी से, साबुन से। और ये देखते जाए आप जैसे जैसे ये साबुन से आप धुल रहे अपनी शरीर को पानी डाल डाल के, ये साबुन आपकी शरीर को कैसे टॉक्सिन से मुक्त करता जाता है और इसका क्या असर पड़ता है आप लोग देख सकते हैं। अभी साथियों मार्केट के भी बहुत सारे साबुन हैं, आप उनसे नहाएंगे उसका क्या मकसद पूरा होगा वो आप उससे करके देख सकते हैं। लेकिन इस साबुन से हम आप नहाते हैं तो ये हमारी आपकी शरीर को
कैसे टॉक्सिन से मुक्त करता है, कैसे उन सारी धूल और धूप से आने वाले जो वो तमाम सारे रॉ मटेरियल हैं उनसे हमको आपको कैसे फेस करता है, ये सर मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये रहा सर आपका साबुन, मैंने निकाल दिया, और ये जो आपका केमिकल पड़ा हुआ था अभी थोड़ा सा सर, क्योंकि ये बिल्कुल सर आप देख सकते हैं कि अभी ये साबुन ने आपके शरीर को पूरा फ्रेश कर दिया, और अभी ये ग्लास थोड़ा सा छोटा था और मैं वीडियो दिखाने के चक्कर में इस तरह से सेट किया हूँ, फिजिकली और क्लियर होता है साथियों। तो ये साबुन जब हम आप लगाते हैं तो हमारे आपके शरीर को धूल से धूप से जितने भी टॉक्सिन है सबसे मुक्त कर देता है, और बाहर से भी आप फ्रेश दिखते हैं, हिट दिखते हैं। और जो बीमारियां साबुन लगाने से होती हैं साथियों, लोग कहते हैं कि अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो साबुन लगाना बंद कर दो या कोई स्पेशल साबुन तो उसको यूज करो, लेकिन सर वो दिक्कत क्यों आती है, साबुन में जो केमिकल यूज होते हैं उनकी वजह से उनकी वजह से आती है। और साथियों अपना ये साबुन जो है आपके शरीर को इस तरह से फ्रेश करता है, अभी देखिए सर बिल्कुल ये फ्रेश हो चुका है साबुन और आपके शरीर को बिल्कुल फ्रेश कर चुका है। आप नहा के देखिएगा, ओरिजिनल आनंद उसका तब आप पाएंगे। अभी साथियों थोड़ा सा मैं 1 मिनट में क्लियर करूंगा कि अगर ये साबुन आप लेने चलते हैं तो क्या बहुत महंगा तो नहीं है। साथियों अपना ये साबुन क्वालिटी को लेके मैं बात करूं तो ये सर केमिकल रहित है, इस पे कोई भी केमिकल नहीं पड़ा हुआ है, और उसका जो सबसे बड़ा सबूत है इस पे ये ग्रीन कलर का सिंबल लगा हुआ है। दूसरी चीज, ये साबुन सर अपना जो है ये 100 ग्राम वजन का है, और ये साबुन को आप लगाते हैं तो आपकी शरीर सर गोरी नहीं होगी, साफ सुथरी होगी, क्योंकि साफ सुथरा करना ही साबुन का काम है। गोरा होना होता तो मकसद और कुछ पूरा होता लोगों का। तो साथियों अभी रेट की बात करूं तो साबुन की गुणवत्ता के लिए हम लोग जो पैमाना यूज करते हैं वो है सो टोटल फैटी मटेरियल का, टोटल फैटी मटेरियल जिसको शॉर्ट में TFM कहा जाता है। और ये साबुन पे सर यहाँ नीचे लिखा हुआ है लाइन पे आप पढ़ लीजिएगा, और ये TFM जो होता है टोटल फैटी मटेरियल, इसी का परसेंटेज सर साबुन की गुणवत्ता बताता है। अभी सर उससे ग्रेडिंग होती है, अपना ये साबुन 76% TFM यानी Grade 1 सोप है, और 100 ग्राम की ये टिकिया है। 70% के नीचे जब ग्रेडिंग होती है तो वो Grade 2 हो जाते हैं, और 60 के नीचे जब हम आते हैं तो Grade 3 हो जाते हैं। अभी सर ये Grade 1 का आपका साबुन, अब रेट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जितने Grade 1 साबुन आते हैं किसी का रेट सर 60-65 रुपए से कम नहीं है, लेकिन अपना साबुन सर 50 रुपए सर इसका MRP है, और 38 यानी 38 रुपए इसका सर DP है, और उस पे भी परचेज वैल्यू मिलता है, उसका परफॉर्मेंस बोनस आपको अलग से मिलता है साथियों। तो ये रेट में, वेट में और क्वालिटी में पूरे मार्केट में सर ये अपना एक अलग पहचान रखता है, और आपके लिए सर ये वरदान है। इसकी एक क्वालिटी और बताऊंगा कि मार्केट का सर कोई आप साबुन लाएंगे अगर उसको आप लगाना शुरू करेंगे तो जैसे वो आधा खत्म होता है 99% साबुन का कलर बदल जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है, और उसके बाद वो कब टूट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन सर मैं इसकी ओपन गारंटी लेता हूँ कि साबुन को आप लाइए, लास्ट तक सर इस कागज जितना ये पतला हो जाएगा तब तक ना इसका कलर जाएगा ना इसकी स्मेल जाएगी और ना ये टूटेगा, जबरदस्ती मत तोड़िएगा। और साथियों अगर ये टूट जाता है तो आप खुला वापस लेके ये डिब्बा आ जाओ, उसका 2 गुना पैसे मैं देने की गारंटी लेता हूँ क्योंकि मैं इसका यूजर हूँ। और साथियों मेरा सबसे सुपर प्रोडक्ट है नहाने के साबुन में, ये एक साबुन से साथियों अगर आप चाहें तो पूरे दिन डेमो दिखा दिखा करके सर कई सैकड़े साबुन आप बेच सकते हैं, और एक जबरदस्त परचेज वैल्यूम बना करके आप अपने इस बिजनेस में अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हाँ उन लोगों के लिए सर ये बेकार है जिनको नहाना नहीं पसंद है, जो नहाते नहीं है, तो इस गर्मी में तो सब नहाते हैं, इसलिए जबरदस्त बिजनेस आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा साथियों, और मैं अपने टाइम में अपने प्रोडक्ट के डेमो को पूरा करने में अपना प्रयास किया, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहूंगा, और अगली बार फिर अवसर मिला तो एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट की मैं डेमो तैयार किया हूँ और उसको लेकर के मैं आऊंगा। और साथियों वो सर आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा, क्यों टॉयलेट सोप है वो लंबा सेशन है, उस पर भी बात हो जाएगी, लेकिन आप टेंशन ना लें। तो साथियों मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, और मैं पुनः
आदरणीय विराजमान सर को आमंत्रित करता हूँ, फिर से एक बार गुरुओं को नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, फिर आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय आशियम। ओवर टू विराजमान सर।